बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय अधिवेशन स्थापना दिवस के रूप में हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार भी 9 अगस्त को आज के दिन मनाया गया, जिसमें 25 स्टूडेंट और जनशक्ति हुए। नियर अबाउट 1000 व्यापारियों ने भाग अपनी समस्याओं का समाधान के लिए एक को एकजुट दिल्ली की 600 के अध्यक्ष महामंत्री आए और सब लोग अपनी हाजिर कर मेमोरेंडम भी दिए। हम समझते हैं राष्ट्रीय चेयरमैन है हमारे सुनील सिंघी साहब, उन्होंने पूरा व्यापारियों को टाइम दिया, उन्होंने कुछ समस्या को समझा और उन्होंने कहा कि हर व्यापारी राष्ट्रीय चेयरमैन है, मैं उसको पावर देता हूँ, वो मुझे अपनी समस्याओं का विवरण दे, मैं साथ में जी को दूंगा और मोदी से समाधान करूंगा, क्योंकि हमारा फर्ज राष्ट्रीय उसका व्यापारी बोर्ड का मतलब असली मकसद ये है कि हमने व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण करना है, समाप्त करना है। समस्याएं तो हैं और समस्याएं रहेंगी भी, लेकिन समस्या को सॉल्व करने की जो एक सोच होती है वो मोदी जी की सोच है और पूरा 2024 में उन्होंने जो इलेक्शन होना है उसमें व्यापारियों से समर्थन मांगा और व्यापारियों ने पुरजोर समर्थन दिया। प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी आएंगे और व्यापारी को समर्थन देगा और ये उम्मीद करेगा कि GST जितनी भी समस्याएं इस बोर्ड के मार्फत सॉल्व होंगी और हमारे व्यापारियों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, हर प्रांत से हर एसोसिएशन से उसमें होगा और वो वहाँ पर राष्ट्रीय बोर्ड को देगा और राष्ट्रीय बोर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान करेगा। और आज हमारे यहाँ जितने 3 या 4 मंत्री आए हैं, पटेल साहब आए, प्रहलाद पटेल साहब, आज ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि सेशन चल रहा है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है, उसके बावजूद हमारे यहाँ मंत्रियों ने अपनी हाजिरी भरी। ये भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बहुत बड़ी जीत है। श्याम बिहारी मिश्रा जी का आशीर्वाद है, मनोहर लाल कुमार साहब का आशीर्वाद है, भीगू राम जैन जी का आशीर्वाद है और 9 करोड़ हिंदुस्तान के व्यापारियों की एकजुटता का प्रचंड ये इस बात का एग्जाम्पल है कि सभी मंत्री और हमारी संस्था को मानते हैं। एकमात्र संस्था भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ऐसी है जो एक पान वाले से लेकर 1 अरबपति व्यापारी तक की समस्याओं को समझती है और जानती है। इसमें सभी व्यापारी हैं, कोई खरीदे हुए व्यापारी नहीं है, ना किसी ने MP बनना, किसी राज्यसभा का बनना, केवल और केवल अपनी व्यापारिक समस्याओं का समाधान करना है। इसके लिए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पूरी तरह कर संकल्पित है। सर, प्यारी मिश्रा जी ने आज से 30 साल पहले व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की डिमांड रखी थी, व्यापारियों के लिए पेंशन की रखी थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ की रखी थी और जीवन बीमा की रखी थी। उसमें हम समझते हैं कि सरकार ने 2 चीज़ें की हैं, एक तो पेंशन का मामला किया है, कल्याण बोर्ड का मामला। देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। आज सरकार ने शुरुआत करके अपनी सोच दिखाई कि उसकी सोच पॉजिटिव है, व्यापारियों को सम्मान दिया। हम कहते हैं कि अगर हम लोग प्रगतिवीर हैं, जिस तरीके से हमारा किसान हमारा क्या कहते हैं फौजी बॉर्डर पर देता है, तो हमारे ये व्यापारी आर्थिक तंत्र के वीर हैं। हमें आर्थिक वीर का दर्जा दो, हम इकोनॉमी को मतलब नंबर 1 पर ले आएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वादा है। सब व्यापारी सरकार के साथ, हम भी सरकार के हैं, सरकार भी हमारी बात समझाने और समझाने की शुरुआत हो गई है। सरकार भी हमारी बात समझे और हम भी सरकार को अपनी बात समझेंगे तो देश निश्चित तौर से आर्थिक तंत्र की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। देखिए, ऐसा है कि आज तक जो मीडियम और मध्यम और नीचे का जो श्रेणी का व्यापारी था उसकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन जिस तरीके से ये भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के रूप में एक जो संगठन पिछले कुछ वर्षों से कार्य कर रहा था और अब जिस तरीके से हेमंत गुप्ता जी, राकेश यादव जी और बाबूलाल जी और मुकुंद मिश्रा जी और अपने प्रदीप गुप्ता जी, इन सबके नेतृत्व में जिस तरीके से आज ये भारतीय उद्योग व्यापार मंडल निस्वार्थ रूप से हर व्यापारी को जोड़ करके चल रहा है, आज यहाँ पे जो जमावड़ा था वो देखने में संख्या आपको 1000 की लगती थी, लेकिन ये वास्तव में ये 10 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व था, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक संस्था का जो प्रतिनिधि है वो लगभग आप ये मान के चलिए 10 से 20 हज़ार व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। और आज जिस तरीके से हमारे यहाँ सुनील संघी जी ये बात कह करके गए हैं, तो इससे ये उम्मीद लगती है कि जो बड़ी बड़ी जो संस्थाएँ थी, जो कॉरपोरेट जगत की संस्थाएं थी, जो पॉलिसियां व्यापार की पॉलिसियां अपने मन मुताबिक बनाती थी, जो सदर बाजार में या मोरी गेट, कश्मीरी गेट, खारी बावली, चांदनी चौक, भागीरथ पैलेस में बैठा हुआ एक 10x8 की दुकान में बैठा हुआ व्यापारी की आवाज़ वहां तक नहीं पहुंचती थी, इस व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से शायद सरकार तक ये बात पहुँचना शुरू हो जाएगी। और मेरे को ये लगता है कि ये जिस तरीके से जो राष्ट्रवादी सरकार है, ये राष्ट्र को जिस तरीके से आज विश्व गुरु बनाने की तरफ दिशा में लेके जा रही है, जिसके अंदर आर्थिक
जो विषय होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और वो व्यापारी के द्वारा यहाँ से निकला हुआ, जो हमारे यहाँ से जो निकला हुआ एक रुपया है वो देश के खजाने को भरने का काम करता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो 85% अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर एक एक रुपया जोड़ेगा तो आप ये मान के चलिए कि देश का खजाना निश्चित रूप से नंबर एक इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, और ये प्रधानमंत्री जी की और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की एक बहुत अच्छी पहल है। और ये जिस तरीके से भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सेतु का काम कर रहा है, यानी पुल का काम कर रहा है व्यापारियों सरकार के बीच में, ये निश्चित रूप से प्रसिद्ध है। जैसे आज ये कल्याण बोर्ड का जो है गठन हुआ है, और जिसके चेयरमैन सुनील सिंघवी जी आज हमारे प्रोग्राम में आए, पटेल जी मंत्री जी आए, जिस तरह से सिंघवी जी ने व्यापारियों की बात को सुना और उनको रखा, व्यापारियों के अंदर एक नया जोश, एक नई चेतना आई है कि हाँ अब हमारी कोई बात सुनने वाला आ गया है। उन्होंने जिस तरह से एक एक व्यापारी से बात की, एक एक व्यापारी की तकलीफें सुनी, और हम भी उनसे पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर मिल के आए थे, उनकी लगन और दृष्टा लगती है कि अब व्यापारियों की दिक्कतें पूरी तरह से तो नहीं, बाकी काफ़ी उनकी दिक्कतों का समाधान होगा। हमने उनको अपनी पुरानी दिल्ली की जो व्यापारिक संस्थाओं का एक गढ़ है वहाँ बुलाया है, आकर के वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारी कमियाँ हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, उन सब के ऊपर आकर के उन्होंने हमें वचन दिया है कि एक दिन आकर के पूरा एक दिन हमारे साथ व्यतीत करेंगे, और ख़ास तौर से दिल्ली 6 की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर काम करेंगे। उनके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।